जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज एक वीडियो में आपको दिखा रहा हूं, एक बुजुर्ग है जिन्होंने कोरोना की दवाई बताई है। कोरोना की दवाई बताई तो किसी बंदे ने उनका वीडियो बना लिया और वो वीडियो नेट पर डाल दिया, और वो वीडियो जैसे ही नेट पर चढ़ा उसके बाद बाबा जी को पुलिस उठाकर ले गई पुलिस स्टेशन में। और फिर बाबा जी ने दूसरा वीडियो निकाला है और माफी मांगी है कि वो जो कोरोना की दवाई बाबा जी ने बताई है, ये दोनों वीडियो मैं आपको इस चैनल पर दिखाना चाहता हूं। ये दिखाने का मकसद मेरा सिर्फ यही है कि इस समय देश में कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी है। इसमें किसी भी प्रकार का झूठा वीडियो अगर आप बनाकर वीडियो या व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर कहीं भी अगर इस तरह का आप बयानबाजी करते हो तो आपके खिलाफ पुलिस एक्शन लेगी, जो इस वीडियो के जरिए आप देख सकते हो। बहुत से लोग हो सकता है कहीं बैठे बैठे मजाक में बात करते हैं और वहां भी कुछ लोग फटाफट वीडियो बना लेते हैं, फिर उस मजाक की वीडियो को भी डालते हैं। लेकिन ये उन सभी लोगों के लिए सबक है जो मजाक में डालते हैं या सीरियस में। इस समय फिर आपसे कहना चाहता हूं कि ये कानूनी अपराध है और इस अपराध का आपको इस बाबा की तरह झेलना पड़ेगा। ये वीडियो देखें और लोगों तक भी शेयर करें और इस समय लोगों की मदद करें। पुलिस प्रशासन, ये तो शुक्र है कि वहां कोई अच्छा पुलिस का, वो जवान भी अच्छे थे और राजस्थान की पुलिस थी जो थोड़ा रियायत बदतरी कर रही है। यही अगर पंजाब की पुलिस होती तो हो सकता है इस बाबा जी का भी पता नहीं क्या करते। और इसमें इस समय 2 साल तक की जेल का प्रावधान है इस तरह के आरोप पर। इसलिए ऐसी हरकत कोई ना करें कि कोरोना में आप जेल में जाएं। और फिर बता रहा हूं कि इस समय का लगा हुआ केस किसी भी हालत में आप दो साल के अंदर बाहर नहीं आ पाओगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एड्रेस बता पहले। आज मेरा नाम अर्जुन लाल गुजर है, गांव बैदाड़ा है, जिला जयपुर, राजस्थान का रहने वाला हूं। ये कोरोना की बीमारी है जो एक छूत की बीमारी है। ये सुई से और गोलियों से इलाज नहीं जाएगी। इसके लिए ये छूत की बीमारी, ये छूत से ही ये जाएगी। तो इसके लिए एक घूकू जानवर होता है, उसको उल्लू कहते हैं, वो पक्षी है उड़ने वाला, और उसके ऊपर हाथ फेरो और इसके कोरोना के मरीज के ऊपर हाथ फेरो, ये बीमारी सुत ही चले जाएगी। ये हमारा परीक्षण पहले से किया हुआ है, हमने इसको अजमाया है, हमारे बुजुर्गों ने अजमाया है, और इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसकी दवाई अपने पास राजस्थान में काफ़ी तादाद में है, लेकिन करने वालों की कमी है। ये एक टोटके से जाएगी, क्योंकि उल्लू एक ऐसा जानवर है, इससे ये छूत मानती है और ये बीमारी ख़त्म हो जाती है। हाँ बाबा, कोरोना का इलाज बताओ क्या है? कोरोना कोई इलाज नहीं साहब, डॉक्टरों के अलावा। डॉक्टरों के अलावा कोरोना कोई इलाज नहीं। ये तो मेरी गलती हो गई, जिसमें मैंने इसको, मुझे एक बच्चा ने इसको टाइप कर लिया, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। इसका कोई इलाज नहीं कोरोना का। उल्लू से इलाज बता रहे थे? उल्लू से इसका कोई इलाज नहीं होता, ये तो सब हमारी बकवास है। हम तो ऐसे फालतू ही बोलते हैं, इसको झूठ मेल दिया, गलती हो गई साहब हमारी। तो क्या कहोगे पब्लिक से कोरोना के इलाज के लिए? पब्लिक ये करे साहब, डॉक्टरों से इलाज होगा, इसे घूगू से कोई इलाज नहीं होगा, उल्लू से कोई इलाज नहीं होगा इसका। तो रोड पे घूमे पब्लिक के घरों पर है? बात है, नहीं घरों पे रहो, रोड पे मत घूमो, रोड पे घूमने से कोरोना फैलता है। घरों पे रहो, हम भी घरों पे रहते हैं। उल्लू से सही होता होता है? नहीं होता है, उल्लू से झूठी बात है, ये मैंने गलत कह दिया इसको। उल्लू इससे क्या सही किया था उल्लू से आपने? मैंने तो एक दाज को सही किया था, लेकिन गलत है वो, झूठी बात है, मैंने झूठ बोल दिया। अब क्या कहोगे पब्लिक को आप? उल्लू से ये कहूंगा कोरोना कोई इलाज नहीं है, डॉक्टरों के सिवाय, और सावधानी बरतो, रोड पे मत घूमो, घर पर रहो। क्या नाम है आपका? अर्जुन लाल गुजर है साहब, गांव बैदाड़ा है। अच्छा, आपने अपील करी थी पहले, आपने करी थी? हाँ, वो तो गलती होगी साहब हमारी। उस अपील को दोबारा करना चाहोगे? दोबारा करना चाहता हूँ, गलत बोल दिया मैंने, गलत स्टेटमेंट दे दिया, मेरी गलती हो गई उसमें। मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ सभी जनता से, इसके विषय में कोरोना कोई इलाज नहीं है।